मॉर्निंग क्लास ओपन योर ईवीएस बुक. सभी बच्चे अपने ईवीएस की बुक ओपन करेंगे और नोटबुक भी. आज मैं आपको चैप्टर 15 का रिवीजन करवाऊंगी. चैप्टर नंबर है आपका 15 फेस्टिवल्स. ओपन कर लिया सभी ने. चलिए, साइना एंड हर फैमिली सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स. क्रिसमस इज अबाउट टू बी. दे आर हैविंग फन डेकोरेटिंग ए क्रिसमस ट्री. साइना की जो फैमिली है वो हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, मनाती है. और क्रिसमस इज अबाउट टू कम. अब क्रिसमस आने वाला है तो इसलिए उन्होंने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया है. फेस्टिवल आर स्पेशल डेज. जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो होते हैं एक स्पेशल डे होते हैं. दे आर द टाइम टू हैव फन, मीट पीपल, द एक्सचेंज गिफ्ट. उसमें क्या होता है, क्रिसमस में हम काफ़ी फन करते हैं. और जो ओल्ड फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी हम बहुत फन करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं और क्रिसमस ट्री हम डेकोरेट करते हैं और अपने टाइम को हम बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं हर फेस्टिवल को. अब नेक्स्ट है आपका इसमें दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ऑन दिस डे वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा. वी लाइट दियास एंड डेकोरेट अवर होम्स. वी वियर अवर फेवरेट कलर क्लॉथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. दिवाली जो है वो कैसा त्यौहार है, एक दिवाली जो है वो लाइट्स का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, अपने घरों में दिए जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है इसमें. और दियों से हम अपने पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर हम मिठाइयाँ बांटते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं. अपने फ्रेंड्स वगैरह को हम उनके घर जाते हैं हम लोग दिवाली के दिन. तो इस तरह से हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट डे इसमें आपका क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर. लॉर्ड जीजस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन दिस डे. ऑन क्रिसमस पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स. दे डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एट देयर होम. सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस. क्रिसमस जो होता है वो 25 दिसंबर को एवरी ईयर हर साल मनाया जाता है. इसमें लॉर्ड जीजस क्राइस्ट का जन्म हुआ था इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं. और चर्च में जाके क्रिसमस लोग जो होते हैं पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं अपने होम्स में. सेंटा क्लॉज जो होता है वो बच्चों को गिफ्ट देता है. इस तरह से हम क्रिसमस को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट डे इसमें आपका गुरुपूरब. गुरुपूरब ऑन गुरुपूरब पीपल टू गो टू द गुरुद्वारा विद देयर फैमिलीज. दे प्रे टू द गुरु ग्रंथ साहिब. दे आल्सो ईट लंगर फ्रॉम ए कॉमन किचन. लंगर इज ए फ्री मील सर्व्ड इन गुरुद्वारा. जो गुरुपूरब होता है वो सिख लोग सिख लोग जो है वो मनाते हैं गुरुपूरब को. उसमें वो क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ गुरुद्वारा में जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं. उसमें वो लोग लंगर बनता है, वहाँ पर लंगर खाते हैं सभी लोग. गुरुद्वारा में किचन होती है, वहाँ पर लंगर बनता है सभी के लिए और वहाँ पर फ्री में सबको लंगर दिया जाता है, सबको वहाँ पर लंगर खिलाया जाता है. तो इस तरह से हम गुरुपूरब को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट पेज पर आएंगे, इसमें है आपका ईद. ऑन ईद पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू द मॉस्क्यू टू प्रे. दे विश ईच अदर ईद मुबारक. दे ईट ए स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया. ईद जो होती है वो मुस्लिम लोग मनाते हैं. इसमें वो लोग नए कपड़े पहनते हैं, मॉस्क्यूज में जाकर, मस्जिद में जाकर वो लोग अपने भगवान की प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, स्पेशल डिशेज बनाते हैं अपने घर में और वो खाते हैं. जैसे कि स्वीट्स हो गई, सेवैयाँ हो गई, ये इनकी स्पेशल डिशेज होती हैं. तो इस तरह से ये अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं ईद को. वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम नेशनल फेस्टिवल. दीज फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाई ऑल इंडियंस. और कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो, जैसे कि और वो ऑल इंडियंस सभी भारतीय जो हैं वो उनको मनाते हैं. जैसे कि इसमें आपका है रिपब्लिक डे, इंडिया
इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, ये हमारे कैसे फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल्स हैं। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन दिस डे, इस दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो इसलिए हम इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन दिस, इस दिन जो हमारा देश है वो अंग्रेजों के उससे आजाद हुआ था, इसलिए हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें गांधी जयंती, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती जो है वो हर साल कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन दिस डे, इस दिन कौन पैदा हुए थे, महात्मा गांधी पैदा हुए थे, इसलिए हम इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, समझ में आया आपको चैप्टर। अब आप इसमें नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 67। अब मैं आपको इसका रिविजन करवा रही हूँ, सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करें और इसमें रिविजन करके लिखेंगे। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे मैच द फॉलोइंग, मैचिंग कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें लिखे हैं फर्स्ट नंबर पे आप गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर आप लिखते हैं इन सेकंड नंबर पे आप लिखते हैं यहाँ पर दियास थर्ड पे लिखते हैं सेमैया फोर्थ पे लिखे हैं क्रिसमस ट्री और फाइव पे लिखेंगे इंडिया बिकम फ्री। इंडिया बिकम फ्री, यहां लिखे बी पे गुरु पूरब क्रिसमस लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे और ई पे लिखेंगे आप दिवाली। लिख लिया सभी ने। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब को मैच करना है गुरु पूरब के साथ, दियाज कब डेकोरेट होते हैं दिवाली पर, सेवैया कब बनती हैं ईद, क्रिसमस ट्री हम कब डेकोरेट करते हैं क्रिसमस पे, और इंडिया बिकम फ्री हमारे देश कब आजाद हुआ था इंडिपेंडेंस डे। ओके करें इसको आप सभी। नेक्स्ट है आपका बी नंबर पे, इसमें राइट द डेट्स ऑन
इसमें लिखें वन नंबर पे क्रिसमस इसमें लिखें आप 25 दिसंबर सेकंड पे लिखें रिपब्लिक डे सेकेंड अक्टूबर कंप्लीट कर लेंगे सभी लर्न एंड राइट आप सभी इसको लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे इसको आप रिवीजन करके या